आगे बढ़ते हैं, अब बात महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की। वो यूनिवर्सिटी जिसकी आज से 101 साल पहले नींव रखी थी, वो मुश्किल में है। गुजरात विद्यापीठ जहां गांधी रहते हैं, ये टैगलाइन है गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय की। 101 साल पहले 1920 में बापू ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महात्मा गांधी किसी की विचारधारा में तो किसी की करेंसी में आज भी प्रासंगिक है, लेकिन बापू का कॉलेज आज बापू की तस्वीर वाली करेंसी के लिए मोहताज है। गुजरात विद्यापीठ में जितने कर्मचारी है, किसी का पगार इस महीने का नहीं हो पाया है और पिछले महीने का पेंशन भी कम हुआ है। अहमदाबाद में स्थित गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय इस वक्त वित्तीय संकट से जूझ रहा है। जिस विश्वविद्यालय से निकलकर छात्र देश और दुनिया में बड़े बड़े पदों पर काबिज हुए, उसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्टाफ पिछले कुछ महीनों से बिना पगार के काम कर रहे हैं। दो साल से तो बिल्कुल ही कम ग्रांट मिल रही है और इस साल में तो इतनी कम मिली है कि अब पैसे बिल्कुल है ही नहीं विद्यापीठ। 1963 में UGC एक्ट के बाद गुजरात विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया था, जिसका पूरा ग्रांट शिक्षा मंत्रालय वहन करता है। नए नियमों के बाद पिछले कुछ सालों से विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट आ गया। हालांकि विश्वविद्यालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि सरकार ने उनकी समस्या का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। हमें आश्वासन भी मिला है कि ये जल्द ही सुलझाया जाएगा, तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सभी यूनिवर्सिटी से वो मांग रहे हैं, हम भेज रहे हैं। ये देश बापू के आदर्शों पर चलता है, ये देश बापू के अहिंसा के व्रत का जिंदा सबूत है। लेकिन ये त्रासदी भी सच है कि आज बापू के देश में बापू की ही स्थापित यूनिवर्सिटी की ऐसी बदतर हालत है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।